साल 1302 महाराणा रतन सिंह चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठे थे। राजमहल में आए राजकीय अतिथि की मेहमान नवाजी की जा रही थी। मनोरंजन के लिए मशहूर जादूगर पंडित राघव चेतन को आमंत्रित किया गया था। जादूगर ने डंडे के करतब दिखाने शुरू किए। उसने दावा किया कि अगला करतब डंडा ही गायब कर देगा, लेकिन ये क्या, डंडा हाथ से फिसला और मेहमान के सिर पर जा गिरा। राजमहल में हाहाकार मच गया। एक गलती से हुए मेहमान के अपमान के इस वाकये ने अगले कुछ महीनों बाद चित्तौड़ का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूँ मुकेश और आज हम जानेंगे चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन के कब्जे की दास्तां को, क्योंकि आज के दिन का संबंध इसी घटना से है। अतिथि को चोट लगी और सिर में सूजन उभर आई। जादूगर को पकड़ लिया गया। महाराणा के चरणों में गिरकर वह गिड़गिड़ाया, लेकिन रतन सिंह के गुस्से का ठिकाना न था। अतिथि को चोट उनके सम्मान पर चोट थी, अतः महाराणा रतन सिंह ने उसे पैरों से मारकर चित्तौड़ से बाहर जाने का आदेश दे दिया। राघव चेतन वहां से चला तो गया, लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि वह इस अपमान का बदला लेकर रहेगा। उसने चित्तौड़ की शान को धूल में मिलाने की कसम खा ली थी। वह अलाउद्दीन खिलजी से जा मिला और उसके सामने महारानी पद्मिनी की तारीफ भी कर डाली। बदले की आग में जलते पंडित ने बादशाह को चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए तैयार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से एक पत्र अपने दूत के साथ चित्तौड़ भेजा। पत्र का मजमून था, राजा रतन सिंह अपनी सुंदर पत्नी को पत्र मिलते ही बादशाह आलम खिलजी के महल में भेंट कर दो, अन्यथा चित्तौड़ को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पत्र पढ़कर राजपूत सरदारों की आंखें अंगार बरसाने लगीं। दिल्ली की सेना विशाल थी, फैसले में देरी हुई। तभी दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन का एक और संदेशवाहक चित्तौड़ आ पहुंचा। गोरा ने ये पत्र पढ़ा, जिसमें लिखा था, एस सोदिया वंश के कुलदीपक महाराणा रतन सिंह, क्यों न हम दोस्त बन जाएं? पहले ही अनेक युद्धों में मैं अपनी फौज बर्बाद कर चुका हूँ, मुझे दुश्मन की जगह दोस्त का दर्जा दें। आगे उसने लिखा कि मैं आपकी नाजनीन बेगम का दीदार चाहता हूँ, दोस्ती की उम्मीद में अलाउद्दीन खिलजी। युद्ध टालने के लिए संदेशवाहक को दोस्ती की मंजूरी दे दी गई। अगले ही दिन अलाउद्दीन 4 सवारों के साथ आ गया। मुख्य द्वार पर स्वागत हुआ, फिर दरबार ले जाया गया। दरबार में महाराणा और खिलजी की ऐतिहासिक भेंट हुई। महाराणा की ओर से दावत दी गई। सभी सभासद और बादशाह के 4 साथी दावत में थे। दावत के बाद खिलजी ने फिर महाराज से रानी के दीदार की गुजारिश की। महाराज ने कहा, अगली बार रानी हाथ से परोस कर खाना खिलाएगी। खिलजी ने जब फिर से मिन्नते की, तब गोरा ने एक बड़ा शीशा द्वार के पास रखवा दिया। महाराणा और खिलजी द्वार तक गए। शीशे में महारानी का प्रतिबिंब दिखाकर राणा ने कहा, लो देख लो, यही है महारानी पद्मिनी। खिलजी के पांव मानो जमा हो गए। अब महाराज ने खिलजी को विदा करने की नीयत से कुछ बातचीत शुरू की। खिलजी बोला, जाने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। खिलजी के चारों साथी चले गए और दोस्ती के रंग में रंगे महाराणा किले के बाहर तक उसे विदा करने आए। बाहर धोखे से महाराज को बंदी बना लिया गया। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डालकर एक तंबू में बंद कर दिया गया। अब खिलजी ने रानी पद्मिनी के नाम एक पत्र भेजा। इसमें लिखा था, या तो पद्मिनी स्वयं श्रृंगार करके खिलजी की सेवा में आ जाए, या चित्तौड़ को खत्म होते देखें, राजा रतन सिंह को जनता के सामने कत्ल कर दिया जाएगा। ऐसा संदेश दोबारा दरबार पहुंचा। पद्मिनी ने समस्या सरदारों के सामने रखी। सारा दरबार मौन हो गया। सब मानो सर्वनाश की घड़ियां गिन रहे हों। अब मौत निश्चित थी, लेकिन बस ये तय करना था कि मृत्यु का मार्ग क्या होगा। रानी पद्मिनी के रिश्ते के भाई थे गोरा और उनके भतीजे का नाम था बादल। बादल ने सबको चुप देखा तो एक विचार कह डाला। उसने कहा, बादशाह को संदेश भेज दिया जाए कि रानी पद्मिनी आ रही हैं। इतनी बात सुनते ही बादल के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ मारा था गोरा ने। गोरा ने कहा, ऐसी बात कहने से पहले तुम्हारी जीभ कट क्यों नहीं गई? पद्मिनी तुम्हारी बुआ है, मेवाड़ की शान है, मर्यादा है। बादल ने थप्पड़ की चोट सहन करते हुए कहा, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। संदेश भेजने के बाद 700 डोले जाएंगे। हर डोले
में एक शस्त्रों की पोटली और एक वीर सैनिक बिठाया जाए। मेरे पास शस्त्र भी हों और छीनी हथौड़ी भी रखो। राजा से मिलने के बहाने मैं उनकी हथकड़ी काट दूंगा, फिर खिलजी सेना पर हमला बोल दिया जाएगा। बात पूरी होते होते सबकी बाँछें खिल गई, बात सबको पसंद आई। खिलजी को जैसे ही ये संदेश मिला कि रानी पद्मिनी उनके पास आने को तैयार हो चुकी हैं, सभी डेरों में जश्न की तैयारी कर दी गई। इधर 700 डोले सजाए गए, सब में शस्त्र रख दिए गए। एक सैनिक अंदर बैठा, वह चार सैनिक डोला उठाने वाले कहार बन गए। योजना के मुताबिक बादल पद्मिनी की जगह श्रृंगार करके विशेष डोले में बैठ गया। जैसे जैसे डोले खिलजी की सेना के डेरे के पास पहुंचे, जश्न शुरू हो गया। खिलजी को पद्मिनी के आने की जानकारी मिली तो वह शराब के प्याले पर प्याले चढ़ाने लगा। खिलजी के सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि पद्मिनी अब डेरे में पहुंचने वाली है। पालकी उस तरफ मुड़ रही है जिस तरफ राजा रतन सिंह कैद हैं। खिलजी बोला, वाह, इसी बात पर एक प्याला तुम भी पियो। रक्षक ने बादशाह के हुक्म की तामील की और प्याला गटक गया। वाह वाह करते खिलजी पलंग पर गिरा। वह मदहोश था, बेहोश हो गया। सुरक्षाकर्मी ने उसे खींचकर पलंग पर ठीक से लिटा दिया। वहीं बादल पद्मिनी का श्रृंगार किए राजा रतन सिंह के डेरे में पहुंचा। बाहर खड़े रक्षाकर्मी ने कहा, डोले का पर्दा खोलो, कौन है? कहार सैनिक बोला, महारानी का पर्दा खोलने का तुम्हें अधिकार नहीं, पीछे हटो। तब तक रक्षक जरा सा पर्दा हटाकर झांक चुका था, स्त्री वस्त्रों की झलक देखकर पीछे हट गया। उसे लगा कि रानी पद्मिनी ही हैं। डोला डेरे के भीतर गया। राजा तभी से चकित और क्रोधित थे जब से उन्होंने पद्मिनी के आने का समाचार सुना था, लेकिन बादल को देखते ही वह शांत हो गए। बादल ने तुरंत उनकी हथकड़ी काट दी, पैरों की बेड़ियां भी काट दी। राणा रतन सिंह को उनकी तलवार भी सौंप दी। अब तो राणा ने सबसे पहले बाहर खड़े रक्षकों को मार डाला, फिर बादल के संकेत देते ही 300 डोलों के सैनिकों ने शस्त्र संभाल लिए। खिलजी के सैनिक अभी जश्न मना रहे थे, कुछ खा रहे थे, कुछ पी रहे थे, कुछ सोने वाले थे, कुछ सो रहे थे। राजपूत सैनिकों को भी नहीं पता कि किसने कितने मारे। ऐसा हल्ला मचा कि किसी को समझ ही नहीं आया। राणा रतन सिंह और बादल के नेतृत्व में राजपूत सैनिक शत्रुओं को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। दूसरी ओर के 400 डोले जो पीछे रह गए थे, वे योजनापूर्वक खिलजी के डेरे के पिछली ओर से पहुंच गए थे। संकेत पाकर उन्होंने भी पीछे से आक्रमण कर दिया। उनका नेतृत्व कर रहा था वीर गोरा। उस वक्त वहां मौजूद खिलजी की आधी से ज़्यादा फौज मारी जा चुकी थी। हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। रक्षक सिपाहियों ने किसी तरह खिलजी को घोड़े पर लादा और बचा ले गए। राजपूत सैनिकों को भी नुकसान हुआ था, बहुत सारे मारे गए थे। सवेरा होने तक जो बचे सब चित्तौड़ वापस आ गए। अब उत्सव की बारी थी, सब ओर दीपमालाएं और फूलमालाएं सज रही थीं, पर कोई नृत्य नहीं हो रहा था, कोई चहल पहल नहीं थी। गोरा को भी इस लड़ाई में वीरगति प्राप्त हुई थी। अब बलिदानी सैनिकों का परिवार आखिर कैसे जश्न मनाता? लेकिन जंग का अगला दौर अभी और भी भयावह होना था, और उससे भी भयानक था जौहर का दर्द। महाराजा रतन सिंह को इसके बाद हुई लड़ाई में वीरगति प्राप्त हुई। 28 जनवरी 1303 को चित्तौड़ पर चढ़ाई करने वाले खिलजी ने जीत के बाद 26 अगस्त 1303 को किले में प्रवेश किया। अपनी जीत के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की आबादी को कत्ल करने का फरमान सुनाया। अमीर खुसरो ने लिखा है, आदेश के बाद 30,000 हिंदुओं को काट डाला गया। वहीं बनारसी प्रसाद सक्सेना ने लिखा है कि 30,000 का आंकड़ा एक अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि फारसी इतिहास में 3 और 30 को एक तरह से पेश किया जाता है। वहीं किले पर हमले के बाद राजपूत महिलाओं ने जौहर किया, जबकि ज़्यादातर योद्धा किले की रक्षा करते हुए मारे गए। जौहर कहाँ हुआ यह अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतिहासकार आरवी सोमानी ने अनुमान लगाया कि यह गौमुख कुंड के पास या महलों के अंदर हुआ था। जब जब चित्तौड़ पर खिलजी की जीत का जिक्र होगा, युद्ध थोप ने एक सल्तनत को अपनी ताकत के बल पर तबाह करने और महिला के सम्मान पर चोट करने के लिए अलाउद्दीन को दुनिया दोषी की नज़र से ही देखेगी, और इसमें एक खलनायक पंडित राघव चेतन भी होगा। चलते चलते आज की दूसरी घटनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। 683 यजीद एक की सेना ने अल हर्राह की लड़ाई में मदीना के 11,000 लोगों को मार डाला। 1833 काठमांडू बिहार भूकंप की वजह से 500 लोगों की मौत हुई। 1891 भारतीय लेखक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का जन्म हुआ। 1910 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा का जन्म हुआ। 1928 हीरो साइकिल के सह संस्थापक ओम प्रकाश मुंजाल का जन्म हुआ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज़ के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।